नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। बलिया के बाद अब इस जिले में आबादी से दूर होगी जेल, योगी सरकार ने प्रस्ताव में दे दी मंजूरी। बलिया के बाद कानपुर नगर की जिला जेल भी आबादी से दूर होगी, शासन ने इसके प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दिया। नई जिला जेल की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार कराई जा रही है। लगभग 3000 बंदियों की क्षमता वाली अत्याधुनिक जेल के निर्माण में लगभग 350 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। सूत्रों के अनुसार कानपुर नगर की नरवल तहसील से सरसौल गांव में 120 करोड़ भूमि प्राप्त कर ली गई है, जिस पर इसी वर्ष जेल निर्माण का कार्य शुरू कराने का लक्ष्य है। जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों की समस्या से निपटने के लिए शासन ने हर जिले में एक कारागार के निर्माण की योजना बनाई है। इसके अलावा जिन शहरों में जेल आबादी के बीच आ गई है, वहाँ शहर के बाहर अधिक क्षमता वाली नई जेल बनाए जाने की योजना है। होगा नई अत्याधुनिक जेल का निर्माण। इसी कड़ी में कानपुर नगर में नई अत्याधुनिक जेल का निर्माण होगा। कारागार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार नई जेल में हाई सिक्योरिटी बैरकों के अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम व अन्य सुविधाएं होंगी। पूरी जेल CCTV कैमरों की निगरानी में रहेगी। जेल अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस होगी। जेल के मिली जमीन का एक हिस्सा खाली छोड़ने की भी योजना है, जिससे भविष्य में आवश्यकता के अनुसार जेल का विस्तार करवाया जा सके। दूसरे जेलों में भेजे जा रहे बंदी, शासन ने बलिया में आबादी से दूर नई जिला जेल बनवाने का निर्देश दिया है। बलिया जेल के बंदियों को दूसरे जेलों में स्थानांतरित कराया जा रहा है। बताया गया कि बलिया जेल में जलभराव की समस्या भी रहती है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 73 जेल है। इनमें 64 जिला कारागार, 7 केंद्रीय कारागार, 1 आदर्श कारागार व 1 नारी बंदी निकेतन है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।